नमस्ते, मैं डॉक्टर संपत राम बैगर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र सेकंड में संयुक्तराक्षण का महत्वपूर्ण अंग सचिवालय के बारे में अध्ययन करेंगे। सचिवालय संयुक्तराक्षण के 6 प्रमुख अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्तराक्षण के अन्य जो प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, परंतु सचिवालय के साथ ये बात नहीं है। इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्तियों ही काम करते हैं, यानी ये अन्य अंगों के से अलग हट करके हैं, और इसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो स्थायी होते हैं। यह एक स्थायी संस्था के रूप में भी जाना जाता है, जिसका निरंतर कार्य चलता रहता है। इसके संबंध में मैक्सवेल कोहन के शब्दों की अगर हम बात करें, तो उन्होंने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है, सेक्रेटरी है, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के नियतकालिक अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह केंद्र बिंदु है, उसका स्थान सेंटर में है, और इसके अभाव की कल्पना करें तो संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ सूचना एवं सहयोग के केंद्रों से वंचित हो जाएगा। इसलिए ये कहीं सेक्रेटरेट या सचिवालय अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जाना जाता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है, यानी सचिवालय के द्वारा ही सारा का सारा प्रशासनिक काम संपन्न होता है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा यानी जनरल असेंबली द्वारा होती है। जनरल असेंबली की स्वीकृति मिलने के बाद में महासचिव बनता है। उनका वार्षिक वेतन 20,000 और इसके अलावा उस वेतन पर कर नहीं लगता है, यानी वो कर मुक्त राशि उनको दी जाती है। वह संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुडरिस हैं, जो 1 जनवरी 2017 से चल रहे हैं, चुने गए थे। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार, जो उसमें प्रावधान किए गए हैं, उनके अनुसार महासचिव सचिवालय की कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, यानी जो उसको कर्मचारी चाहिए वो महासचिव नियुक्त करता है। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद तथा आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। वे सभी सचिवालय के भाग होते हैं, यानी सचिवालय से ही वो आते हैं। इनकी नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें सर्वोपरि विचार, कार्य क्षमता, योग्यता एवं ईमानदारी के उच्चतम स्तरों पर की जाती है, और उनकी नियुक्ति में यथासंभव भौगोलिक आधार को पर्याप्त स्थान के रूप में महत्व दिया जाता है। इस बात का चार्टर में उपबंध है कि विशेष रूप से इस बात को लिया गया है कि न तो महासचिव और न ही कर्मचारी वर्ग किसी राज्य के अथवा संघ के बाहर किसी दूसरे अधिकारी के अनुदेश मानेंगे और न प्राप्त करेंगे। नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाते हैं, क्योंकि ये विश्व स्तर की संस्था है, और जो उस विश्व स्तर की संस्था में जो व्यक्ति नियुक्त होता है तो निश्चित रूप से वो विश्व नागरिक हो जाता है,
इसमें कोई दोराय नहीं है। और वो केवल विश्व संस्था के प्रति निष्ठावान होते हैं, जो वो काम करते हैं वहाँ विश्व स्तर की संस्था में जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो उनका जो स्तर है निष्ठावान का वो बहुत ऊंचा हो जाता है। राजसंघ में सचिवालय के कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, अगर हम बात करें कि सचिवालय में कितने कर्मचारी हो सकते हैं, तो अधिकतम संख्या 1,000 हो सकते हैं। पर इस जितने अब आज से ले 1945 से लेकर के अगर आज तक की बात करें तो 1,000 से कम ही रहे हैं। वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में लगभग अब 8,900 कर्मचारी नियमित बजट के अंतर्गत नियुक्ति पाकर न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय और संघ के अन्य केंद्रों में कार्यरत हैं। अब हम बात करते हैं सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वृहत प्रशासनिक तंत्र है, जिसके 8 विभागों में संगठित किया गया है, यानी उसको 8 भागों में बांटा गया है। वो 8 भाग इस प्रकार हैं। पहला भाग सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, यानी सुरक्षा के जितने भी मुद्दे आएंगे वो ये विभाग उनको संभालेगा, सुरक्षा संबंधी कार्यों का विभाग। दूसरा है आर्थिक विभाग, आर्थिक विभाग भी अपने आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी रखेगा और उसके पुष्पकारी करेगा। तीसरा विभाग सामाजिक कार्यों का विभाग है। चौथा न्याय स्वयं स्वशासित क्षेत्रों में सूचना का विभाग है। उसी प्रकार से 5वां विभाग सार्वजनिक सूचना का विभाग है और 6ठा सम्मेलन तथा सामान्य सेवाओं का विभाग है। 7वां प्रशासनिक तथा वित्तीय भाग विभाग का वित्तीय विभाग है और 6ठा विधि का विभाग यानी 6ठा कानून का विभाग है। तो इस प्रकार से 8 भागों में ये कार्य करता है और इसमें प्रत्येक का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव के नीचे एकाधिक उच्च पदस्थ निदेशक होते हैं। उप महासचिव की नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्तियों का आधार इनकी कार्य क्षमता, यानी किस प्रकार से इनमें एफिशिएंसी है काम करने की, वो कार्य क्षमता और अर्हता एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं महासचिव की, जनरल सेक्रेटरी की। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था में जो काम करने वाला व्यक्ति है वो प्रमुख है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था है और उस संस्था का जो प्रधान होता है वो महासचिव होता है। इसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद, यानी हम ये कह सकते हैं कि सचिवालय का संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था है और इस संस्था के शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद है और उसका कार्यालय है। वह केवल सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं है, यानी अध्यक्ष के साथ साथ वो बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निर्वहन करता है, जिसमें हम ये कहें कि संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का वो सूत्रधार है। सूत्रधार कहा जा सकता है, यानी महासचिव का जो पद है वो कितना बड़ा है कि वो संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार करता है, उनको क्रियान्वयन करता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कह सकते हैं, यानी जो सेक्रेटरीट का मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो महासचिव ही होता है। अब हम इसके महासचिव के कार्यों की बात करें कि इसके क्या जनरल सेक्रेटरी के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों की विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले कार्य सामान्य प्रशासन का आता है। सामान्य प्रशासन के कार्य की जब हम बात करते हैं तो चार्टर के अनुसार महासचिव संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और इसी कारण महासभा, महासचिव, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और न्याय परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है तथा वह सभी कार्य संपादित करता है जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे गए हैं या बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं महासचिव संस्था के कार्यों की। वार्षिक प्रतिवेदन महासभा यानी जनरल असेंबली को प्रेषित करता है और वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन जब होता है तो महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से ही प्रारंभ होता है। यानी जब महासभा का वार्षिक अधिवेशन होगा उस वार्षिक अधिवेशन में सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव की रिपोर्ट पर ही बहस प्रारंभ होती है और वहीं से कार्रवाई मानी जाती है। दूसरा कार्य तकनीकी
तकनीकी कार्य है, टेक्निकल फंक्शन है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि महासचिव कुछ तकनीकी कार्य भी संपादित करता है और ये कार्य चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव ऐसे कार्य भी करेगा जो उसे महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्याय परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव संपादित करता है। तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करना, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि कार्य उसके अंदर शामिल है। इस प्रकार के कार्य उसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब तीसरा कार्य आता है सचिवालय का प्रशासन, सेक्रेटरीट का प्रशासन क्या है। महासचिव सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है और सचिवालय में प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव का ही होता है। वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, तो ये भी महासचिव का कार्य है। अगला कार्य वित्तीय कार्य है। इस कार्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है इसकी देखरेख करता है। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव का होता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करवाता है जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विशेष उद्देश्य अभिकरणों तथा अन्य संबंध संस्थाओं के बजट पर भी नज़र रखता है कि क्या विशेष उद्देश्य के द्वारा अभिकरण चलाए गए हैं और उन अभिकरणों में उन जो जुड़ी हुई संस्था हैं उन संस्थाओं के बजट पर भी महासचिव निगरानी रखता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी निधियों का अभिरक्षक और उसके व्यय के लिए वो उत्तरदायी होता है कि किस प्रकार से वो व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। अब चौथा जो कार्य है वो आता है प्रतिनिधियात्मक कार्य। प्रतिनिधियात्मक कार्य संपूर्ण राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है जो संघ के एक अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में या यूं कहें कि प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह विभिन्न अभिकरणों एवं सरकार के साथ वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की ओर से वो करार भी करते हैं। अगला कार्य राजनीतिक कार्य है। राजनीतिक कार्य में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी करता है। वह चार्टर के 99 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर जो सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिसे उसके विचार में वो ये मान के चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनी रहे, संकट उत्पन्न हो सकते हैं इसके बारे में वो ध्यान दिलाता है। इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान यानी मुख्य राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है। इसी के संदर्भ में मार्गेंथू ने ये यहाँ तक कह दिया कि इस प्रकार महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रकार का प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री बन गया है। महासचिव की यह राजनीतिक भूमिका तीन दिशाओं में विकसित हुई है। अगर हम इसकी भूमिका को का आकलन करें तो ये तीन दिशाओं में चलती है। उसमें पहली दिशा उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है, यानी जो महासचिव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्तालाप करवाता है तो ये वार्ताकार भी इसको कहा गया है। दूसरी दिशा में वह अनेक अवसरों पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों के रचयिता के रूप में सामने आया है जिन्हें विवाद के विभिन्न पक्षों ने सम्मानजनक रूप से स्वीकार करना संभव पाया है। तीसरे जो दिशा है वो यह है कि उसे विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक कहा। विश्व की जो आत्मा है उस आत्मा की आवाज़ क्या आ रही है और उस आवाज़ का देखरेख करने वाला या गार्जियन के रूप में महासचिव की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। उस आवाज़ को महासचिव संभालता है। अगर कहीं अशांति की आवाज़ है तो उसको शांति के प्रयास के रूप में वो प्रयास करता है शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि तीसरी दिशा में की बात करें तो विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक कहा गया है। अब हम बात करते हैं
महासचिव की भूमिका, यानी महासचिव का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसकी बात करें तो महासचिव का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो इसका जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। उससे केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन ही नहीं करना पड़ता, अपितु राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है। उसका कार्य उतना ही विशाल है वह जितना वह उसे बना सकते हैं। यानी वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और कितना अच्छा वो कार्य कर सकते हैं, उतना ही उसका कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। उसकी भूमिका उतनी ही व्यापक है जितनी वो वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जो उसको अधिकार दिए गए हैं। उसी प्रकार से उसका जो भूमिका है वो बहुत व्यापक है जितनी उसमें योग्यता है, जितनी वो योग्यता रखता है और क्षमता है वो इस प्रकार से कार्य कर सकता है। यदि प्रशासनिक कार्यों में उसकी भूमिका एक आरंभ जैसी होती है, यानी शुरू करने वाली एक भूमिका होती है कि वहीं से स्टार्ट होगा, तो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी भूमिका मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्यस्थ की, इसके साथ साथ वार्ताकर्ता की और इसके अलावा मैत्रेय की, निर्माता के समान रूप से देखी जाती है। महासभा के अंतिम सत्र में महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का भी महत्व होता है। यानी जब महासभा चलती है, जनरल असेंबली का सत्र चलता है और उस सत्र के अंत में जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जिसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है कि वो क्या चीज़ें लाके लेके आ रहा है, उसकी क्षमता क्या है, वो क्या बताना चाहता है। वो विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक माना गया है, तो निश्चित रूप से वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। और इसी रिपोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उसके दृष्टिकोण व्यक्त होते हैं। वो क्या दृष्टिकोण रखता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति के साथ साथ वो घटना चक्रों का पर भी प्रकाश डालता है कि इस प्रकार की घटना चल रही है, और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए वो सुझाव भी देता है, सुझाव दिए जाते हैं। इसी के संबंध में लियोनार्ड के शब्दों में अगर हम महासचिव की भूमिका की बात करें तो वो ये कहता है कि महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट अमेरिका की राष्ट्रपति के संदेशों के समान प्रभावशाली होती है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना की गई है कि अगर महासचिव अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है तो निश्चित रूप से उस रूप में देखें कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति संदेश देता है, प्रभावशाली संदेश देता है, उसके तो समतुल्य हैं। महासभा ने में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में भी महासचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसकी भूमिका वो देखता है कि किस प्रकार से ये तैयार किए गए हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, तो उस प्रस्ताव को वो ध्यानपूर्वक देखता है। संक्षेप में अगर हम बात करें सचिवालय की, तो इसका मुख्यालय मुख्य रूप से मैनहेटन टापू न्यूयॉर्क में है, और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 193 सदस्य देश हैं। और अगर हम इसकी भाषा की बात करें कि जो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है वहाँ किन किन भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है या मान्यता दी गई है, उसमें हम बात करते हैं अरबी की, चीनी की, अंग्रेजी भाषा की, फ्रांसीसी भाषा की, रूसी भाषा की और स्पेनिश भाषा की। इन भाषाओं को उनमें स्थान दिया गया है या काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र के अंग में महासचिव के क्या कर्तव्य होंगे, तो मुख्य रूप से संक्षेप में हम बता सकते हैं कि महासभा के महासचिव के कर्तव्य क्या होंगे। उसमें हम यही कह सकते हैं संक्षेप में कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई संघर्ष है तो उन संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा के कार्यों का प्रबंध करना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करना और सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना और सदस्य सरकारों के साथ में बातचीत करना, इस प्रकार के उसके कर्तव्य हैं। और अगर उसकी संक्षेप में शक्तियों की चर्चा करें तो शक्तियाँ निम्न प्रकार से हो सकती हैं कि महासचिव की शक्तियों में सबसे पहले तो यह है कि वह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह दे सकता है। पहली जो शक्ति है वो यह है कि उसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों को की सरकारों को सलाह दे सकता है। दूसरा जो शक्ति है वो
समस्त समस्याओं को सुलझाने में अपने पद में जुड़े हुए प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई समस्या आती है, उस समस्या को सुलझाने के लिए जो उसका पद है, जो महत्वपूर्ण पद है, जो प्रभावशाली पद है, उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई संकट आता है तो निश्चित रूप से वो अपने पद के प्रभाव से उसको सुलटा सकता है, ये भी उसका अधिकार है। इसके अलावा वो संगठन की उपलब्धियों और समस्याओं से जुड़े वार्षिक प्रतिवेदन महासभा के सामने प्रस्तुत करता है। यानी जो संगठन है उसकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं और उसके सामने क्या समस्याएँ हैं, ये सारी की सारी बातें वार्षिक प्रतिवेदन में, जनरल असेंबली का सत्र चल रहा होता है, महासभा का सत्र चल रहा होता है, तो उसके सामने प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ ही अगली शक्ति की बात करें तो महासचिव किसी भी विशेष क्षेत्र में विश्व शांति यानी शांति बनाए रखें और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले मामलों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ध्यान आकर्षित कर सकता है। यानी महासचिव महासभा को यानी जनरल असेंबली को, या यूँ कहें कि जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, उसकी ओर वो ध्यान खींच सकता है। तो ये महासचिव की प्रमुख संक्षिप्त में शक्तियाँ हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।